केतन है ना के अक्षय, केतन प्लेट फॉर जेबी स्पोर्ट्स सरोली पाड़ा। ऐसा लग रहा है कि सभी बड़े खिलाड़ियों को हम एक्शन में देख रहे हैं। यस केतन, हु इज द बेस्ट फील्डर इन तालुका क्रिकेट एंड इज प्लेट फॉर सोना देवी टीमगर। So, two openers on the ground, Ketan and Raja. Remind you, Varal Devi won the toss, they decided to the field first. So, welcome all of you from Naushad Khan. देखिए main entrance पे जो bike खड़े हैं, थोड़ा सा आपको उसको gate बंद करना है। वहाँ पे जो भी हैं, please, जो खिलाड़ी हैं, SB, मेरे ख्याल से कालवार के जो कालिका माता कालवार के खिलाड़ी हैं, थोड़ा gate बंद करके ले। First ball try to put away on the onside top edge. Not a very good stroke by he off the mark with single. So Ketan off the mark with single and Shivas Sport one for no wicket. Today is the super day of SB trophy. This time beauty length ball and batsman try to walk away on the onside, PC in the air and off the surface. Next match, Sumail Suse meet Munawar. Good match indeed between RK and United. Here goes Bhavesh Bajage. This time put away on the onside, not a firmly driven. That was a loosener, but batsman played all on the ground to deep mid wicket. Enough time gets one. So one more to total now, two for no wicket. Bhavesh Bajage, great all-rounder. This time swing, typical Ketan stroke for six. That was a gifted delivery from Bhavesh Bajage. Full toss gain thi aur usko bahut sahi nasihat ki wahan par. Khoobsurti ke saath timing और बहुत ही लाजवाब शॉट, छह रन मिले वहां पर। एट विदाउट लॉस, दिस इज द गुड स्टार्ट फ्रॉम शिवास स्पोर्ट इन मॉर्निंग सेशन। मांत स्पोर्ट लॉस द मैच अगेंस्ट कालिका माता कालवार। So his score is 8 without loss. बिल्कुल आज महंती स्पोर्ट्स से इस स्पर्धा से बाहर हो गई। Yes, look at that colorful T-shirt sponsored by Naushad Khan and SB Sport sponsored by Royal RPS Masale. Test of India. This is the test of SB Trophy. Colorful T-shirts. Here goes Bajage. Ball this time try to cast away from the off stump. He bows in Dusra Molla. White signal from Birdie. So one more to total now. His score moves up to 9 for no wicket. On field umpire Farooq Birdie and dashing and dynamic smart Ramiz Rais. Here goes Bhavesh Bajage. Ball this time try to flashy off drive. Another white signal, chasing that ball. Bajage not control on his line. One more to total now. His score moves up to 10 for no wicket.
अब कहीं ना कहीं अपनी दिशा से भटक चुके हैं भावेश बजागे। भावेश बजागे बहुत इस टाइम टकिंग ऑन द ऑन साइड लोअर फुल टॉस डिलीवरी यूज द शॉर्ट बैक लीफ इनफ टाइम बैट्समैन गेट्स वन सो स्कोर इज 11 विदाउट लॉस। यू आर वॉचिंग SB ट्रॉफी सिटी इमर्जिंग क्रिकेट बिग शो। वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम नौशाद खान एंड SB स्पोर्ट्स। द कलरफुल टी शर्ट स्पॉन्सर्ड बाय रॉयल RPS मसाले टेस्ट ऑफ इंडिया। दिस टाइम ब्यूटी वाइड यॉर्कर जस्ट पास द बैट ब्यूटिफुल बॉल डेट मार्क्स एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर स्कोर इज 11 विदाउट लॉस। एक ओवर की समाप्ति 11 रन बिना किसी विकेट के शिवास स्पोर्ट। क्या कहेंगे इफ्तिकार, क्या एक अच्छा टोटल है जो पहले ओवर में बना है। हालांकि काफी वाइड गेंदे भी रही थी। नहीं, एक सिक्सर लगने के बाद भी इतने कम रन देना ये बहुत बड़ी बात होती है, वो भी हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज पर। अच्छी गेंदबाजी में कहूंगा भावेश बजागे की, मिला जुला रद्द अमल। आप देख सकते हैं आज क्वार्टर फाइनल से बहुत ही खूबसूरत कलरफुल टी शर्ट दिए गए, येलो ऑरेंज पहले येलो ग्रीन। इसे स्पॉन्सर किया है रॉयल RPS मसाले टेस्ट ऑफ इंडिया। रंग भरते हुए मसालों से खानों में जायका भरते RPS मसाले रॉयल, और SB ट्रॉफी में उन्होंने टी शर्ट से रंग भर दिया है। गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए इस मरतबा छोटी बैक लिफ से लीफ कर दिया 6 रन। हेलो, बहुत खूबसूरत शॉट खेला है वहां पर, छोटी बैकलिफ से लिफ्ट कर दिया मिड विकेट पर 6 रन जाते हुए। स्कोर आगे सरकता हुआ 17 रनों पे पहुंचा है। केतन बहुत ही आकर्षक बल्लेबाजी कर रहे हैं 14 पर। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा मिस टाइम स्ट्रोक है, यश नहीं पहुंच पाए। एक रन बना मिसफील्ड होती हुई 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। इन 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रनों पे पहुंचा है 19। आप देख रहे हैं SB ट्रॉफी 2019। गेंदबाजी कर रहे हैं गुड्डू। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए बहुत बढ़िया गेंद वाइड यॉर्कर थी, बल्ले के अंदर लगी, बढ़िया विकेट कीपिंग, कोई रन नहीं। इसके बाद की दोनों टीमों के कैप्टन RK स्पोर्ट्स के कैप्टन यूनाइटेड के कैप्टन आपको जुड़ना है। इस मरतबा वाइड राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा स्लॉग स्वीप टिपिकल केतन स्ट्रोक 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 26 रनों पर। अब कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई इस वक्त वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली की। कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा है कि वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली की आप गेंदबाजी देख रहे हैं। नौशाद खान का बिग शो आप देख रहे हैं,
हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज पर एसबी ट्रॉफी जो आज अंतिम दिन आज ही के दिन इस स्पर्धा का मेगा फिनाले खेला जाएगा, लेकिन एक सेमीफाइनलिस्ट टीम हमें मिल चुकी है, कालिका माता कालवार। गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त गुड्डू। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा हवा में स्ट्रोक, क्या आउट हो जाएंगे? यस, पहला झटका लगता हुआ केतन आउट होके जा रहे हैं। आउट होने से पहले 22 रनों की बढ़िया बारी खेली, बहुत ही कामयाब पारी खेली वहां पर केतन ने। हालांकि लॉन्ग ऑन को क्लियर करना उतना आसान नहीं होता है भावे सर, मुश्किलों में पड़ गए थे, जगह से खेलना चाहते थे और पूरी तरह से शॉट को अधूरे मन से खेला था। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए प्रतीक, प्रतीक भोयर, प्रतीक पाटिल बहुत ही मशहूर ऑलराउंडर हैं, आरडी इलेवन के लिए खेले इस सीजन में सिटी क्रिकेट में और बाली ट्रॉफी में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने। पटकी भी गेंद, मिस्क्यू पुल और एक और विकेट। यश ने कोई गलती नहीं की विकेटों के पीछे, बैक टू बैक दूसरा झटका देते हुए यहां पर गेंदबाज गुड्डू। दो ओवर की समाप्ति, कुल रन बने 26, विकेट गिरी है 2। क्या कहेंगे इफ्तिकार दो ओवर की समाप्ति के बाद? मिला जुला रद्द अमल है दोनों भी टीमों का, अगर बात की जाए तो रन भी बने लेकिन दो बड़ी विकेटें एड़ी चोटी के जो दो बैट्समैन थे वो यहाँ पर आउट हो चुके हैं। देखना है कि वड़ाल देवी अब किस तरह से गेंदबाजी करती या फिर इसी तरह से बल्लेबाजी करेगी। कालिका माता कालवार सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, आरके स्पोर्ट्स के कैप्टन और यूनाइटेड के कैप्टन आ चुके हैं मुनव्वर। अगला मुकाबला आखिर में क्वार्टर फाइनल अब देखने जा रहे हैं, आरडी 11 बी बनाम अमान स्पोर्ट्स, गुलाम साबिर फैम टीम। संदीप डीजे गेंदबाजी के लिए इस वक्त बुलाया गया गेंदबाज दिनेश को, सामना करेंगे प्रतीक पाटिल। कमाल के ऑलराउंडर है प्रतीक, दिनेश, आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं। पटकी भी गेंद, शॉर्ट आर्म पुल हवा में और प्रतीक आउट। इसलिए मैं कहता हूं कि वड़ाल देवी स्पोर्ट्स एक ऐसी टीम है जो जूनियर के नाम से खेलती है और एक परफेक्ट टीम आप देख रहे हैं सिटी इमर्जन में, वड़ाल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली। बिल्कुल, यश पाटिल जब मिड विकेट पे फील्डिंग कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा था अपने टीम से कि पॉजिटिव माइंड से क्रिकेट खेले, क्योंकि यश बहुत बड़े फाइटर क्रिकेटर हैं, सामने की टीम में कौन आया है और कौन वापस जा रहा है ये ना देखे। आखिरकार प्रतीक पाटिल नहीं चल पाए, शून्य पे आउट हुए। स्कोर है 26 रन, गेंदबाजी कर रहे हैं दिनेश, आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न से, सामना करेंगे बैट्समैन अक्षय। इस मरतबा अजीब और गरीब ढंग से खेले थे अक्षय,
एक रन बनता हुआ अक्षय ठेटे मैन फ्रॉम नानकर, बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं, पड़गा सावत ग्रामीण के बहुत ही टॉप खिलाड़ी हैं और वैसे भी सिटी क्रिकेट में भी पिछले सीजन में अक्षय ठेटे बहुत अच्छे फॉर्म में रहे थे। दिनेश छोटे रन अप से मुड़ते हुए लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, इस मरतबा वाइड यॉर्कर ज्यादा बाहर कर बैठे वाइट, एक रन स्कोर में बढ़ता हुआ स्कोर 28 रनों पे पहुंचा है 28। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे दिनेश, बहुत बढ़िया गेंद, पैर नहीं चले थे, क्रिस बॉक्स से ड्राइव करना चाहते थे, तेज निकलते हुए विकेट कीपर के पास, बहुत ही खूबसूरत गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस वक्त दिनेश की अपनी टीम वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली के लिए। देखना है कि मुनव्वर और शुमाइल सुसे की रणनीति एक दूसरे के खिलाफ कैसी रहती। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, फुल टॉस गेंद विद द टाइट स्विंग किया ऑन साइड में, फील्डर मौजूद डीप में, केवल एक रन। ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि वराल देवी के पास यश पाटिल भावेश बजा के बहुत मजबूत बल्लेबाजी है, कैप्टन दिनेश स्वयं कमाल के खिलाड़ी, कल भी अपनी टीम को जिताने में कप्तान दिनेश का ही ओवर था, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ओ फ्लैश करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर, किस्मत वाले रहे, लेट रिवेट रहा था अक्षय ठेटे का, बहुत ही अच्छी गेंद, हालांकि जब शॉट को खेलना चाहा तो किस्मत वाले थे कि गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर नहीं गई। संदीप डीजे लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए, इस मरतबा फिर से अच्छी गेंद बैठ गई, बहुत खूबसूरत गेंदबाजी, 3 ओवर और केवल 29 रन, बहुत ही कामयाब ओवर की समाप्ति हुई इस वक्त टीम के कैप्टन दिनेश की। जिस तरीके की गेंदबाजी उन्हें करनी चाहिए थी बिल्कुल भावेश सर उसी तरह की गेंदबाजी किए, रनों पर इस वक्त अंकुश लगा दिया है दिनेश ने, बिल्कुल बहुत खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं, कुल मिलाकर 3 ओवर 29 रन और 3 विकेट। इसीलिए मैं कहता हूं कि टेनिस क्रिकेट में मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही कम रहता है। देखना ये इफ्तिकार के बड़े बड़े नाम थे लेकिन सिर्फ केतन ही चले, राजा एक रन बना के, प्रतीक 0 पर, अक्षय ठेटे बहुत कठिनाइयों में 3 गेंद पर 1 रन, शुभम 2 गेंद पर 1, लेकिन आखिरी ओवर कई टीमों की आरतियां उठा चुका है। देखना है कि आखिरी ओवर में कंट्रोल गेंदबाजी रहती है या नहीं। वराल देवी जो कि बहुत ही एक्साइटिंग मुकाबला रहा था उनका मेगा फिनाले अमन ट्रॉफी में, गेंदबाजी के लिए धनराज को बुलाया गया है, देखना है धनराज के सामने बल्लेबाज राज करते हैं या धनराज का राज चलता है। दोनों टीमों के कैप्टन टॉस बॉक्स में आना है, आरके और यूनाइटेड, इस मरतबा लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइट, एक रन से स्कोर 30 पे पहुंचा है। कल की बनिस्बत आज गर्मी कम है, राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, इस मरतबा फ्लिक किया गेंद को ऑन द राइज, 6 रन। शुभम बहुत अच्छा खेलते हैं और इस तरह की गेंदे जब आप देंगे ओवर पिच गेंदे तो आपके लिए मुश्किल ही खड़ी कर देते हैं, धनराज का राज इस गेंद पर नहीं चल पाया। आजकल तालुका क्रिकेट में कमेंटेटर्स की भी भरमार है, पड़गा और उसके परिसर में कई अच्छे कमेंटेटर्स आ रहे हैं, खासतौर से आदित्य जादव बहुत कम एज में बहुत बड़ी उड़ान भर रहे हैं। स्कोर 36 रन।
राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, इस मरतबा फुल और पावरफुल सक्सेसफुल छह रन, छोटी गिनती और बहुत जल्दी हरकत में आ गए थे बैट्समैन। कह दिया था ना मैंने कि आखिरी ओवर बहुत ही घातक साबित रहा है सभी टीमों के लिए, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो चाहे लोकल क्रिकेट हो। आखिरी ओवर एक ऐसा होता है जहां पर हर बैट्समैन डू या डाई की स्थिति में होता है, हिट करना चाहता है क्योंकि विकेटें आपके पास बहुत हैं और इतनी विकेटें लेकर आप क्या करेंगे अगर ओवर की समाप्ति हो जाए। 42 रन हो चुके हैं, ताबड़तोड़ जवाब दिया है वहां पर बैट्समैन शुभम ने। एक और सिक्सर का हैट्रिक और तीनों शॉट के बारे में हम कह सकते हैं सत्यम शिवम और सुंदरम। बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला वहां पर और दूसरी हैट्रिक सिक्सर यहां लगा दिया है एसबी ट्रॉफी में। कमाल की बल्लेबाजी, अब कैप्टन समझाने आ रहे हैं धनराज को, धनराज के सामने बल्लेबाजी का राज। तीन बेहतरीन शॉट, एक शॉट तो उन्होंने बना लिया था, ऑन द राइज फ्लिक किया था। कैप्टन दिनेश ने कहा था कि धनराज से ही उन्हें ज्यादा उम्मीदें हैं और होता ये कि रेस के दिन रेस का घोड़ा ही हार जाता है। एक और गेंद को लॉफ किया, ये भी चली स्टैंड में, छह रन। क्या बल्लेबाजी हो रही है, बॉटम एंड का कितना अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं शुभम। शुभम जब तक टीम के कैप्टन थे उनका उतना अच्छा परफॉर्म नहीं था, लेकिन चार कप हुए उसके बाद जब से वो कैप्टन सिप छोड़ी तब से बहुत अच्छा खेल रहे हैं अपनी टीम शिवास इलेवन के लिए। 54 पे पहुंचा है स्कोर, कमाल की बल्लेबाजी हम देख रहे हैं। इस ओवर में लूट लिया है शुभम को, चार सिक्सर एक वाइड, पांचवा मारने की कोशिश, टॉप एज और आउट। बिल्कुल इस वक्त धनराज बैंक के कैशियर बन गए, जिस तरह से बैंक का कैशियर पैसे लुटाता है आखिरी ओवर में धनराज ने रन लुटा दिए, दिनेश की जो मेहनत थी उस पे पानी फेर दिया है भावे सर। छप्पन रन हो चुके हैं, इस मरतबा ऑन द राइज खेला है एक और विकेट, तो कुल मिला के 54 रन हुए, 55 रनों की चुनौती रखी है। आइए अगले टॉस की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। खेलने वाली टीमें इस वक्त आरके स्पोर्ट और यूनाइटेड, टॉस बॉक्स आरपीएस रॉयल मसाला, टेस्ट ऑफ इंडिया, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत कलरफुल टी शर्ट स्पॉन्सर किए। आइए इस वक्त टॉस बॉक्स में उमर खान और मुनव्वर दोनों कैप्टन हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं प्रशांत दादा पाटिल, वड़ाल देवी स्पोर्ट्स के स्पॉन्सर, हम उनके दस्ते मुबारक से टॉस कर रहे हैं। बहुत ही मशहूर क्रिकेटर भी प्रशांत, अभी छोड़ा नहीं, खेल रहे हैं वो, मोस्ट वेलकम। देखिए ताड़ाली, वड़ाल देवी और कामतकर क्रिकेट की बहुत बड़ी नगरी है। आइए प्रशांत जी के हाथों से हम तीसरे क्वार्टर फाइनल का टॉस कर रहे हैं। टॉस को जीता इस वक्त यूनाइटेड स्पोर्ट ने, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे निवेदन है मंच की शोभा बढ़ाना है। मुनव्वर सबसे पहले बताइए, यूनाइटेड स्पोर्ट के कैप्टन है आप, आपने टॉस जीता है, क्या करेंगे?
हम लोग फील्डिंग करेंगे। रीजन बता सकते हैं? मैंने इनके प्लेयर्स देखे हैं, जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं इनके पास, बड़ी अच्छी टीम है, तो हमें चेस करना शायद भारी पड़ सकता है, तो हम मतलब उनको चेस करना आसान हो सकता है, तो इसके लिए हम लोगों ने चेस करने का प्लान बनाया। ये बताइए कि 4 ओवर में कहाँ तक रोकने का इरादा है? कोशिश तो हमारी 40+ के, मतलब 40 के अंदर ही रहेगी, बट होप फॉर द बेस्ट। एसबी ट्रॉफी में आपकी टीम जो खेली, एज अ कैप्टन आप उससे सेटिस्फाई हैं आपकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से? नहीं नहीं, अभी तक पूरी तरह से नहीं, क्योंकि अच्छी साइड बनाया मैंने, कंप्लीट साइड है, फिर भी जो एक्सपेक्टेशन है प्लेयर्स से वो नहीं कर पा रहे। जो कमियां रह गई है वो इस मैच में पूरी करने जा रहे हैं? मैं तो मेरे तरफ से पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा, मेरे प्लेयर्स लोग से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपनी कमियां को दूर करें। आउट तो सबको करना चाहेंगे, लेकिन सस्ते में किसको आउट करना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, उमर खान बहुत अच्छे फॉर्म में है, अभी मैंने देखा इनकी टीम में कामरान भी आया है, तो जैलिस के बहुत सारे प्लेयर आए हैं, तो ये तो कुक्से वाला हाल हो गया, एक को आउट करो एक आएगा, एक को आउट करो एक आउट आएगा, तो हम डॉट करने के लिए जाएंगे, आउट करने के लिए नहीं जाएंगे। ऑल द बेस्ट उमर। मैं ज़्यादा सवाल नहीं करूंगा, आप टॉस जीतते तो क्या करते? मैं फील्डिंग ही करता। और आपको बल्लेबाजी दी, गेम प्लान 2 को किस तरह यूटिलाइज करेंगे और कितने रनों तक जाएंगे? हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ही रन मारेंगे, क्योंकि सामने वाली टीम अच्छी है, तो हम लोग भी स्कोर करेंगे। क्या शुमाइल ऊपर बल्लेबाजी करेंगे? वो कैप्टन के ऊपर डिसीजन है, जैसी टीम सिचुएशन रहेगी। देखिए नंबर 1 पे आप रैंक कर रहे हैं, नंबर 1 क्रिकेट खेलने जा रहे हैं जी, इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज यूनाइटेड वन द टॉस, दे डिसाइडेड टू द बॉल फर्स्ट, इज बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक भावे सर। इस वक्त 55 का लक्ष्य है मुकाबला जीतने के लिए, शिवास के कैप्टन आपको तुरंत अपनी फील्ड सजानी। आइए मैच की शुरुआत होने जा रही है, मेरा साथ दे रहे हैं सिद्दीक भाबे सर और मजहर खान। पहला ओवर देखना है टीम के कैप्टन किसे देते हैं। हालांकि 55 का लक्ष्य है, बात की जाए तो दोनों भी बैट्समैन बहुत क्षमता रखते हैं बड़े स्ट्रोक्स की। भावेश बजागे पिछला सीजन नंबर 1 पर रैंक कर रहे थे ऑलराउंडर की फहरिस्त में, और इस साल आरके स्पोर्ट्स के अमजद शेख बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, बेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर अली, आरके स्पोर्ट्स के बेस्ट बैट्समैन ऑफ द ईयर सचिन वीआर के, बेस्ट टीम ऑफ द ईयर आरके, एक तरफ आरके स्पोर्ट्स और एक तरफ रजी कुंवारी का आरके फ्रीट, ये दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं पंकज, उनका सामना करेंगे बैट्समैन भावेश बजागे। राइट आर्म और द विकेट गेंदबाजी करेंगे, पहली गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं थी, शॉर्ट कवर में गेंद को उठाया एक रन, शॉर्ट मिड विकेट में गेंद को उठाया। एक ही मदद से खाता खुला भावेश बजागे का और टीम का, 55 के लक्ष्य का पीछा कर रही है सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। पंकज गेंदबाजी कर रहे हैं, पंकज की ये गेंद, ओहो ये तो बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, 6 रन। ये यश पाटिल हैं, उनके पास बहुत टैलेंट है, हालांकि खराब गेंद नहीं थी, घुटनों को फोल्ड किया और स्वीप किया गेंद को मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में, 6 रन। यश पाटिल इसीलिए ऊपर आए हैं बल्लेबाजी को, क्योंकि टारगेट ज्यादा है।
बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला था वहां पर यश पाटिल ने। घड़ी आपको टाइमिंग बताती है कि कितने बजे और ये शॉट आपको टाइमिंग बताता है। घड़ी की बात आपने निकाल दी, अगर आपने किसी चाहने वाले को घड़ी दी और वक्त नहीं दिया तो घड़ी देना बेमाने। पंकज गेंदबाजी कर रहे हैं, राइट आर्म और द विकेट, काफी लंबा रन अप। यश पाटिल सामना करने के लिए तैयार, आज यश को ऊपर भेजा है क्योंकि लक्ष्य बड़ा है। इस मरतबा स्वीप किया लेकिन स्विच हिट के अंदाज में एक रन, हालांकि फुल टॉस लोअर फुल टॉस गेंद थी, उतना सही नसीहत नहीं दे पाए, स्विच हिट जरूर किया लेकिन गैप नहीं मिला था, खिलाड़ी मौजूद थे। एक रन, स्ट्राइक को रोटेट किया, स्ट्रोक स्कोर जा पहुंचा 8 पर। आप देख रहे हैं एसबी ट्रॉफी का आखिरी दिन। पंकज इस मरतबा उछाल दिया हवा में, खिलाड़ी नीचे और आउट हो गया बैट्समैन भावेश बजागे। बड़ी विकेट, भावेश बजागे से बहुत उम्मीदें थी बड़े मैच में, लेकिन बड़े मैच के तो वो खिलाड़ी है लेकिन आज नहीं चल पाए, लालच में आ गए। आपने घड़ी की बात की, किसी ने कहा है कि कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तमाम उम्र किसी की तरफ नहीं देखा, और ये सोच कर कि इंतज़ार लाजिम है, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। अब ऐसा लगा कि भाभे सर बैठे, जब तक आप इतनी खूबसूरत और उम्दा शायरी नहीं कहते तब तक जान नहीं होती। अब एसबी में डबल जान डाल दिए सिद्दीक भाभे सर ने। यश पाटिल का साथ देने के नए बैट्समैन गुड्डू आए, लेकिन भावेश बजागे का सस्ते में आउट होना थोड़ा चिंता का कारण। इस मरतबा एक बार फिर स्लॉग स्वीप किया, उसे डीप स्क्वायर लेग पर गेंद को उठाया, एक रन, स्कोर खिसक कर पहुंचा 9 पर। अगर उनकी बात की जाए तो पहली ओवर की समाप्ति हुई थी और 11 रन थे भावे सर। यस, उसके बाद पलट के वार किया था, आखिरी ओवर सिल्वर जुबली रहा था जहां पर 25 रन दे डाले थे धनराज ने। तो इस तरह के मैचेस आपको जीतना है तो एक ओवर जरूर वैसा लाना होगा जिस तरह से धनराज के सामने शुभम ने बल्लेबाजी की थी, और यश में वो क्षमता है। पंकज मुड़ते हुए, उनकी ये गेंद, लॉफ किया गेंद को और ये तो जाएगी आसमानी तूफानी झन्नाटेदार सिक्सर। इसे कहते हैं कमेंटेटर्स कर्स, बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को लिफ्ट कर दिया था, गेंद बल्ले से निकली, मोर थी 6 रनों की भी। एक ओवर की समाप्ति पे 15 रन, बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई यहां पर हम देख रहे हैं शिवास वड़ाल देवी का, शिवास के सामने। बिल्कुल शुरुआत बहुत अच्छी की है इस वक्त यश पाटिल ने और वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली ने। अगला मुकाबला देखना ना भूलिए, किस तरह की शतरंज की बाजी के मोहरे को बदलेंगे शुमाइल सुसे और किस तरह की चाल चलेंगे मुनव्वर। बहुत ही बड़ा मुकाबला है, आरके स्पोर्ट जो नंबर 1 पर रैंक कर रही, मेरा अपना मानना है आपने तो सभी टूर्नामेंट कवरेज लगभग किए हैं, ये बताइए कि शुरुआती दौर में आरके लगातार चैंपियन रही थी। पहला कप जीता था जब दूसरा कप हुआ था इसी ग्राउंड पर संयुक्त कप, तब आरके ले उड़ी थी, उसके बाद उसके नाम गांव देवी रहा, वराल देवी चषक भी उनके नाम था, और मेरे ख्याल से शेलार कप भी आरके नहीं जीता क्योंकि शुमाइल सुसे के फोटो एफबी पे हमेशा रहते हैं कप के साथ।
लेकिन जब से अमजद शेख नहीं है आरके में तो अमजद शेख की कोई कमी पूरी नहीं कर पा रहा है। यस पाटिल गेंदबाज सामना करने के लिए तैयार होंगे, दूसरा बल लेकर आ रहे हैं कुमार। कुमार से काफी अपेक्षाएं हैं इस वक्त टीम के कैप्टन को। यस सामना करने के लिए तैयार, दूसरे ओवर की पहली गेंद राइट आर्म और द विकेट। साइट आर्म गेंद लेकिन लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड घोषित किया वहां पर अंपायर फारूक बर्डी ने। देखिए कंधे के जोर से गेंदबाजी कर रहे हैं, जब आप कंधे के जोर से गेंदबाजी करते हैं और आपका आर्म जब छोटा रहता है साइड आर्म, तो अधिकांश ऐसा होता है कि गेंदे ज्यादातर ब्लॉक होल्ड में भी आती है और टिप्पा खाने के बाद नीची रहती। इस मर्तबा वर फुल टॉस गेंद स्लॉग स्विप की कोशिश लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं थी, कारपेट के सहारे पहुंची डीप में एक रन। इस ओवर में 25 प्लस रहेंगे तो मैच बना रहेगा भावे सर। दो टीमें लगभग पहली टीम सेमीफाइनल में जो पहुंची है सुबह में महंत स्पोर्ट को शिकस्त देकर कालिका माता कालवार। इस मर्तबा बड़े शॉट के लिए गए लेकिन सवाल पूछा शॉट थर्डमैन पर गेंद को उठाया लेग बाई की शक्ल में एक रन। स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 18 पर। जिस तरह की शुरुआत मिलनी चाहिए थी वराल देवी स्पोर्ट्स को वो मिल चुकी है, देखना है कि यश अब मैच का पासा कब पलटते हैं। बहुत ऊंचे क्लास के बैट्समैन ये देखिए यश का अपना अलग अंदाज। बिल्कुल मैक्सवेल की तरह फ्रंट फुट को बहुत ही आगे खींचा और क्या स्वीप शॉट खेला है, दिलकश स्ट्रोक, इसे कहते हैं जाजिबुल नजर शॉट जो नजरों में जज्ब हो जाए। और जब तक ये रहेंगे तब तक शिवास के गले में खतरे की घंटी मंडलाती रहेगी। बिल्कुल मैंने पहले ही कहा कि यश पाटिल में क्षमता इस तरह के स्ट्रोक्स लगाने की और वो लगा भी रहे। मैच अभी भी बराबरी पे चलता हुआ कट टू कट। कुमार मुड़ते हुए ये देखिए इस मर्तबा किस्मत वाली बाउंड्री, नो भी घोषित किया तो 5 मिलेंगे, कुछ यही परिणाम था अंजुमन ट्रॉफी के मेगा फिनाले में। बिल्कुल और ये देखिए जब आप तेज गेंदबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह चाहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हो चाहे टेनिस क्रिकेट हो रफ्तार ज्यादा करने चाहते गति का जो इस्तेमाल करना चाहता अपनी लेंथ पे कंट्रोल नहीं कर पाए 5 तोहफे के रन। स्कोर जा पहुंचा 29 पर। कुमार की ये गेंद इस मर्तबा फ्री हिट था, उन्हें भी पता नहीं था कि फ्री हिट गेंद है, बहुत दूर जैसे कहते हैं कि डंडा गया सैर करने। प्रतिभा विलास 2015 हो रहा था, मेरे साथ बागुल थे, संदीप बागुल बहुत ही मशहूर कमेंटेटर हैं हिंदी मराठी इंग्लिश के। मैंने कह दिया कि डंडा गया सैर करने तो मुझे पूछ लिया उन्होंने कि डंडा शेर भरा कैसा हो सकता है, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कमेंटेटर है, बहुत महान कमेंटेटर है। मरता क्या ना करता को उन्होंने हमेशा करता क्या ना मरता ही कहा। कुमार उनकी ये गेंद इस मर्तबा बल्ले की टॉस से लगी, वाइडिश लॉन्ग ऑन पे गेंद को उठाया एक रन। स्कोर इस वक्त 30, जीतने के लिए अभी भी 25 रन चाहिए, मुश्किल तो नहीं है। इस गेंद पर एक बड़ा हिट आ जाता है तो मैच में पूरी तरह से पकड़ बना लेगी। ये देखिए स्ट्रेट खेला है दूर से आए, बढ़िया कैच, आउट हो गए बैट्समैन।
इतनी तेज तर्रार गेंदों को स्ट्रेट खेलना, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ क्लियर करना उतना आसान नहीं होता है। दो ओवर की समाप्ति, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत, देखना है कि इख्तिताम किसके नाम होता है। लेकिन जब तीसरा ओवर आएगा तो आपके साथ जुड़ जाएंगे बहुत ही ऊंचे कमेंटेटर सिद्दीक भाभे सर। शुक्रिया इफ्तिकार अहमद। दो ओवर में 30 रन, दो ओवर में 25, नेक टू नेट फाइट चलती हुई, कांटे की टक्कर। एक बात तो है कि पूरा सीजन उठा के देखिए 2018 और 19 का, चाहे BC4 का भिवंडी सिटी क्रिकेट हो, चाहे BCA का ग्रामीण क्रिकेट हो, चाहे ओल्डी गोल्डी 40+ क्रिकेट हो, चाहे सिटी इमर्जिंग क्रिकेट हो, मैचेस बहुत ही कट टू कट रहे हैं। उसका कारण है कि सभी टीमें अच्छी तैयारी के साथ और सभी टीमों में जूझने का, लड़ने का, जीत हासिल करने का एक जुनून है। यही कारण है कि भिवंडी तालुके का क्रिकेट बहुत ऊंचाइयों पर जा चुका है। गेंदबाजी के लिए अक्षय ठेठे को बुलाया गया है, ये भी विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं। ग्रामीण क्रिकेट पड़गा उसका परिसर में बहुत ही मशहूर खिलाड़ी हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, पहली गेंद विद द टाइट खेल दिया है, गेंद को ऑन साइड में टिप्पा खाने के बाद गेंद कट के अंदर की जानी बाई थी। नए बैट्समैन अर्शल ने 1 रन से खाता खुलता हुआ आगे स्कोर बढ़ा है। वड़ाल देवी का 31 रन। यश पाटिल, निगाहें यश पे जमी हुई, अभी तक यश भी मिला है यश को ठेठे मुड़ते हुए। यश के लिए ड्राइव करने की कोशिश, बल्ले का सीधा, ये सबसे डेंजर जोन है चैलेंज का, जहां गेंद सरक गई 4 रन। एक ऐसा शॉट जहां पर आप ताकत का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ किस्मत के बलबूते आपको बाउंड्री मिलती है, जो मिली वहां पर। अधिकांश बार देखा गया है कि फाइन लेग और थर्ड मैन दो ऐसे क्षेत्र हैं चैलेंज के जहां पर गेंदे एक बार निकल गई तो रोकना मुश्किल होता है। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, इस मरतबा अच्छा ड्राइव, आंखों के नीचे गेंद के ऊपर आकर खेला, डीप एक्स्ट्रा कवर में, और अंपायर का जाने का इशारा वहां पे फारूक बर्डी का यश पाटिल को। जोखिम नहीं लेना था क्योंकि यश की निगाहें जम चुकी थी सिद्दीक भाभे सर, उनका रहना वड़ाल देवी स्पोर्ट्स के लिए बहुत जरूरी था। जहां एक था वहां दूसरे की कोशिश की और आउट हो गए। बिल्कुल, थोड़ा सा फंबल किया था वहां पे खिलाड़ी ने, लेकिन क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है नेवर टेक अ चांस ऑन मिसफील्ड, मिसफील्ड पे आपको चांस नहीं लेना चाहिए। शोएब गौरी, देखना है आज किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, कल बहुत अच्छा ओवर किया था। उमर खान बहुत अच्छे टच में है, और नए बैट्समैन यश के आउट होने के बाद अब थोड़ी कठिनाइयां बढ़ सकती, हालांकि क्रिकेट एक खिलाड़ी का खेल नहीं है। नौ गेंदे और 19 रन, यानी मैच बहुत क्लोज होने वाला है भाभे सर। लेकिन माधव, ये वही बैट्समैन है जब अंजुमन के सामने अमन ट्रॉफी में 2/6 सिक्सर लगाया था। यस, लेकिन अक्षय ठेठे इस ओवर में रोक लगाते हुए फिर से पिच किया, अंधाधुन बल्ला चला दिया, डायरेक्ट थ्रो, रन आउट, कमाल का थ्रो अक्षय ठेठे का। ये फायदा रहता है बचपन में कंचे गोटियां खेलने का। अब मुश्किलें बढ़ती हुई क्योंकि माधव का भी विकेट गिर गया, बहुत धीमे कदमों से रनों को पूरा कर रहे थे।
हमारे बीच अनीस सिद्दीकी साहब तशरीफ ला चुके हैं, हम आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। एसबी ट्रॉफी 2019 में नौशाद खान और एसबी स्पोर्ट्स की जानिब से, और आरपीएस रॉयल मसाले टेस्ट ऑफ इंडिया टेस्ट ऑफ भिवंडी, उन्होंने कलरफुल टी शर्ट स्पॉन्सर किए, उनका शुक्रिया। इस मरतबा विदी टाइट खेला है, फील्डर मौजूद है, एक और विकेट, और इस ओवर में मैच का पूरा जो चित्र था, पिक्चर था, वो बदल गया है। तीन विकेटें गिरी है और तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है, एक गेंद बाकी है अभी, 36 रन। अनीस सिद्दीकी हमसे जुड़ चुके हैं, जिन्होंने हमें कलरफुल टी शर्ट्स स्पॉन्सर किए जो आप देख सकते हैं, रॉयल आरपीएस मसाले, खानों का जायका बनाए। अगर आपको लजीज खाने खाना है तो आरपीएस रॉयल मसाले इस्तेमाल कीजिए और अपने मुंह का जायका बढ़ाइए। गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त अक्षय थेटे, राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, फुल टॉस गेंद, फिर एलिवेशन नहीं है, लेकिन डीप मिड ऑफ पे जब तक गेंद को उठाते, कोशिश बढ़िया की थी वहां पर प्रतीक ने, लेकिन नाकाम रहे। दो रन आए इस गेंद पर, तीन ओवर की समाप्ति, कुल रन बने 38। यहां से डू और डाई की सिचुएशन, 17 रन चाहिए 6 गेंदों पर। देखना है आखिरी ओवर लेकर कौन आ रहा है, जबकि धनराज ने 25 लुटाए थे, इनको 17 बचाने। दो बैट्समैन पिच पे मौजूद है, नंदू और अमोल। गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए राजा, सामना अमोल, राजा अमोल के लिए, फुल टॉस गेंद, ड्राइव किया गेंद को डीप कवर में, एक रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं और रन आउट। सर पे हाथ रख दिया वहां पर नंदू ने आउट होने के बाद। पांच गेंदें बची है जीतने के लिए, 16 रन चाहिए, बहुत देर आज भेजा है भाविक बजागे को। 5-16 का इक्वेशन है और बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त अमोल, भाविक बजागे नॉन स्ट्राइक पर। 5-16 का इक्वेशन, एक गोल्डन सिक्स पूरी सीजन में लगा है सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में, इसी कप में। इस मरतबा ऑन दी राइस खेला है, हवा में, फील्डर मौजूद, एक और विकेट, विकेटों की झड़ी लग गई है बिल्कुल, अब अपने आप को संभाल नहीं पा रही है इस वक्त वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली। जिस तरीके से दो ओवर में 30 बनाए थे, बची 12 गेंदों में 25 चाहिए थे और चारों शाने चीत होती हुई। इस मैच की विजेता टीम पहला सेमीफाइनल कालवार से खेलेंगी और दूसरा सेमीफाइनल अगली दो मैचेस जो होने जा रहे हैं, क्वार्टर फाइनल यूनाइटेड बनाम आरके, आरडी बनाम अमान। बढ़िया गेंद,
लेकिन ज्यादा बाहर थी वाइड, लेंथ बहुत अच्छी थी, लाइन उतनी अच्छी नहीं थी। इस बीच अगेन ड्राइव करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन पे एक रन बनता हुआ, स्कोर आगे सरकता हुआ 41। कितनी गेंदें बची है? 4-14 का इक्वेशन, 3-14 का इक्वेशन है, 3 गेंदें 14 रन। अच्छा ड्राइव, एक से कुछ भी नहीं होगा, 2 में अगर 2 सिक्सर भी लगते हैं तो वराल देवी का सफर समाप्त होता हुआ एसबी ट्रॉफी में। कोई वाइड गेंद अगर नहीं करते राजा, फुल टॉस गेंद लिफ्ट कर दिया, 6 रन ठीक कमेंट्री बॉक्स में। एक गेंद और 7 रन, चेसिंग कंपलसरी है और किनारे पे तो डूब नहीं रही वराल देवी। फाइनल भी 1 रन से आ रही थी और इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया है शिवास स्पोर्ट्स ने। कॉन्ग्रेचुलेशन शिवास स्पोर्ट एंड हार्ड लक वराल देवी। आइए अपोजिशन साइड से बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ी यश पाटिल हैं इंसोलेशन प्राइस के हकदार और मैन ऑफ द मैच हैं शुभम। आइए अब हम मैन ऑफ द मैच की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इसके पहले यश आपको यहाँ पर आना है। यश पाटिल वराल देवी स्पोर्ट्स के लूजर साइड की जानिब से इस वक्त यश पाटिल को बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया जाएगा। आइए यश, मैं सबसे पहले अर्शद भाई से गुजारिश करूं। अर्शद भाई आपको ये गिफ्ट एम्पर देना है, ये हमें स्पॉन्सर किया है अनीस भाई मसाले वाले आरपीएस मसाले की देन। ये गिफ्ट एम्पर बहुत बहुत शुक्रिया अर्शद भाई आपका। शुभम यह है मैन ऑफ द मैच, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इन्होंने किया। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा सगीर भाई से ये ट्रॉफी देते हुए। इस वक्त ये ट्रॉफी हमें स्पॉन्सर की है तुफेल फारूकी साहब ने। उसके बाद हमारे बीच में संदीप भाई डीजे मैन ये गिफ्ट एम्पर देंगे, ये हमें स्पॉन्सर किया आरपीएस मसाले की जानिब से, हमें ये स्पॉन्सर हुआ है। उसके बाद हमारे बीच में इस वक्त अनिस सिद्दीकी साहब मौजूद है, शरीफ शेख साहब ने ये मिठाई हमें स्पॉन्सर किया है। और उसके बाद हमारे बीच में अरशद भाई मौजूद है, मैं अरशद भाई से एक बार फिर से गुजारिश करूंगा आपको ये गिफ्ट एम्पर देना, ये हमें स्पॉन्सर के एसबी स्पोर्ट्स की ही देना है ये। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे स्पॉन्सरों का और हमारे मेहमानों का। तो ये थे मैन ऑफ द मैच शुभम। आइए लौट चलते हैं तीसरे क्वार्टर फाइनल की तरफ।